गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइलिश स्पाइस। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इतना बड़ा वाला मिंत्रा हॉल, जहाँ पे मेरे पास आज आपके साथ शेयर करने के लिए हैं बहुत सारी जीन्स। तो जितनी भी जीन्स हैं वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, उनकी क्वालिटी अमेजिंग है। अगर आप अभी जीन्स परचेज करने की सोच रहे हैं सो विदाउट हैविंग अ सेकेंड थॉट, जितने मैंने आपको लिंक्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको जाके बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। एंड इस टाइम पर मिंत्रा पर बहुत अच्छी खासी सेल चल रही है, तो आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सो या विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहली जीन्स से। तो मेरे पास पहली जीन्स कुछ इस तरीके के पैकेट में रिसीव हुई है, एंड मेरे पास यहाँ पे अराउंड 4 से 5 जीन्स है। सभी जीन्स का जो प्राइस रहेगा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि मुझे कितने में वो रिसीव हुआ है। सो ये इसकी रिसिप्ट है, कुछ इस तरीके की है। मैंने कोशिश की है कि मैं ऑलमोस्ट जितने भी कलर्स होते हैं ना वो मैं सारे कवर कर सकूं, ताकि अगर आपके पास कोई कलर ऑप्शन इस टाइम पर अवेलेबल नहीं है तो आप वो भी जो है ना आपके पास कलेक्शन में हो जाएगा। सो पहली जीन्स है कुछ इस तरीके से। तो ये जीन्स है कुछ इस तरीके से, ब्लू कलर में, एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका जो MRP है वो है 1799, बट मुझे कितने में रिसीव हुआ था आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। एंड द ब्रांड इज़ रोडस्टर, एंड ये ब्लू कलर में है, और बीच बीच में इसमें कुछ इस तरीके का यू नो ऐसा रफल वाला डिज़ाइन दिया है, वो भी पूरे उसमें नहीं दिया है जीन्स में, कहीं कहीं पे यहाँ पे दे रखा है। बाकी मैं आपको साइड में पहन के दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये एंकल लेंथ में है, तो मतलब मुझे तो एंकल लेंथ की जीन्स बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगती हैं, क्योंकि आप उसके नीचे कुछ भी कैरी कर सकते हो, लाइक अपनी शूज़ कैरी कर लो, हील्स कैरी कर लो, फ्लोटर्स कैरी कर लो, कुछ भी कैरी कर लो, राइट। सो या मेरी ये है फर्स्ट जीन्स, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसमें मेरा साइज़ है 30, सो आप अपना साइज में अपना चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास जीन्स है वो कुछ इस तरीके के पैकेट में है, और या ये इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ था। और ये वाली जो जीन्स है इसका जो कलर है वो है डार्क ब्लू, मतलब जो पहली वाली है वो हल्की से लाइटिश ब्लू में है, ये वाली डार्क ब्लू में है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जीन्स इज, जैसे आजकल चले ना नीचे ट्राउज़र में, नीचे से जो फैले हुए ट्राउज़र है, पुराना ट्रेंड सारा वापस लौट के आ रहा है, सो बस वही चीज़ है। और या ये कुछ इस तरीके से है, ऊपर से इसमें पूरा ऐसे रफल का डिज़ाइन दिया हुआ है, और नीचे ये कुछ इस तरीके के पैंट स्टाइल में है, एज आई सेट कि नीचे पूरा पैंट स्टाइल है, और पैंट स्टाइल में यहाँ पे नीचे भी इसमें जो है रफल वाला डिज़ाइन दिया है, विच लुक्स रियली वेरी ट्रेंडी। तो ये कुछ डार्क ब्लू शेड में है, और इसमें ऊपर से जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके का रफल डिज़ाइन दे रखा है। और ये भी मेरा जो साइज़ है इसमें वो है 30, इसमें इसका MRP तो मेंशन नहीं है, तो मैं आपको जितना भी इसका प्राइस होगा वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि मुझे कितने में रिसीव हुआ था। एंड ये जो है वो आपकी यू नो वेस्ट से ऊपर आप इसे पहन सकते हैं, और इसमें यहाँ पे ऐसे 4 बटन्स दिए हैं। साइड में आपको पहन के दिखाऊंगी तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। प्लस ये पैंट स्टाइल में है, तो नीचे से अच्छा खासा ऐसे पैंट फ्लोरल टाइप में आ जाएगा, और नीचे भी यहाँ पे ऐसे रफल का डिज़ाइन दे रखा है। तो अगेन बहुत ज़्यादा क्लासी, ट्रेंडी, पुराना सारा ट्रेंड वापस लौट के आ रहा है। सो या एंड पीछे से इस तरीके से, हालांकि ये चीज़ इसकी निकली है बट वो मैं उसको टक करवा लूँगी, बस यही इसका एक तरीके से आप बोल सकते हो इसमें डिफेक्ट आया है, अदरवाइज द क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज़ रियली वेरी गुड। और इसके प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छी डील है, तो आप इसको डेफिनेटली ग्रैब कीजिएगा। लिंक सारे जीन्स का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो चेक करना मत भूलिएगा। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट जीन्स की तरफ। तो मेरे पास नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इस तरीके के पैकेट में, एंड ये है मेरे पास इन ब्लैक कलर। सो ऑल राइट, सो ये है कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर में, और इसका जो ये जो ब्रांड है वो है डोइस क्रूडो, और इसमें जो मेरा साइज़ है वो है 30, और इसका जो MRP है वो है 2199, बट मुझे कितने में रिसीव हुई थी आपको वो स्क्रीन पे दिख जाएगा। एंड सबसे द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जीन्स इसके जो साइड में सिर्फ का डिज़ाइन दिया है ना, इट इज़ वेरी क्लासी, बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है। और नीचे से कुछ यहाँ पे यू नो इस तरीके से मतलब कटा हुआ दे रखा है, जो कि जब आप पहनेंगे ना तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही अच्छा सा मतलब रिच सा लुक मैं बोल सकती हूँ देने वाला है। और पीछे से कुछ इस तरीके से है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, और बहुत ही कम्फर्टेबल है फॉर दिस समर सीज़न, तो आप इसको
डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से है। दोनों तरफ यहाँ पे इस तरीके से चेन वाला डिजाइन यहाँ पे दिया है। साइड में पहन के दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगेन ये मेरा साइज है 30 एंड ये है मेरा नेक्स्ट पीस। सो मूव ऑन करते हैं लास्ट पीस की तरफ। सो लास्ट मैंने यहाँ पे मंगाया है एक अपने लिए डांगरी। सो मुझे डांगरी का बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत अच्छी लगती है और पहनने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल होता है। मतलब आपने अंदर से कोई भी टी शर्ट डाल ली एंड उसके ऊपर आपने डांगरी डाली तो आप सॉर्टेड हो जाते हो। आपको सोचना नहीं पड़ता आपको कौन सा टॉप कैरी करना है, नहीं करना है एंड एवरीथिंग। सो या ये कुछ इस तरीके से है, मेरे पास डार्क ब्लू शेड में है लाइक दिस। सो इसमें जो मेरा साइज़ है वो है आई गेस 32। मेरा साइज़ में बड़ा है बट ये मुझे पहन के ठीक आ रहा है। नो, इसमें साइज़ इस तरीके से लार्ज दिया हुआ है। कलर इज़ ब्लू एंड MRP इज़ 2299 और इसका जो ब्रांड है वो है स्टाइल स्टोन करके। सो ये मुझे कितने में रिसीव हुआ था आपको प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा बट आई मस्ट टेल यू द क्वालिटी ऑफ दिस थिंग इज़ लाइक रियली वेरी गुड। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल आपके स्किन को चुभने वाला नहीं है। मेरे जितने भी कपड़े मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं लाइक तो ऑल द 3 जीन्सेज जो मैंने आपको अभी तक शो करी हैं, द क्वालिटी इज़ रियली अमेजिंग। आप इन समर सीजन में बिना किसी सेकेंड थॉट के पहन सकते हैं क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जीन्स आपको कभी कभी इतनी ज़्यादा टाइट होती है ना कि आपको अंदर से इतना ज़्यादा स्वेट वगैरह हो जाता है। सो वो सारी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्किन बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली है मैं ऐसा बोलूँगी आपको। और हमेशा ना इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं पहनना चाहिए, थोड़ा सा लूज ही रखिएगा। और स्ट्रेचेबल का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि वो आपके स्किन को यू नो हार्म नहीं करती हैं। सो या, और ये कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में है लाइक दिस, इस तरीके से और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। डार्क ब्लू कलर में है, ऊपर से कुछ इस तरीके से है तो बहुत ही ट्रेंडी लगता है और मैंने आपको बता दिया। और ऐसा नहीं है देखो कि डिज़ाइन ना इसका बिल्कुल भी लाइक उधड़ा पुधड़ा, नो नथिंग लाइक दैट। बहुत ही प्यार से इन लोगों ने फिनिशिंग वगैरह की हुई है तो मतलब क्वालिटी एंड प्राइस रेंज जो है वो बहुत अमेजिंग है। और बस यही था, बहुत छोटा सा हॉल मैंने मतलब आज यू नो क्रिएट किया है एंड आई रियली आपको पसंद आया होगा। सो इन समर सीजन्स के लिए अगर आप जीन्स वगैरह अभी ऑप्शन देख रहे हैं तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने शेयर कर दिया है, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। एंड डू लेट मी नो कि आप किस टाइप के वीडियोज़ और चाहते हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी अदर हॉल्स वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं सो दैट आई कैन फिट इट फॉर यू गाइज। ओके गाइज, तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।